अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हम फिर से वीडियो में जो ना हाजिर हुए हैं। अभी एक बंदा मिला है हमें, तो उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने बात ऐसी करी है जो हमारे दिल पे लगी है, तो आपको सुनाते हैं, आप बताएं कि क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद फारूक। आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह के इमाम साहब ने रजिस्ट्री के पैसे लिए थे हमारे से। अच्छा। और उनका नाम है दिनेश बापू, ठीक है, और इसका नाम है हनीफ बापू है। अच्छा। और इनका जो इमाम साहब है वहाँ के फुरकान भाई ने जिनसे एजेंट बन के हमारे पैसे तबाह लगा दिए और आज तक रजिस्ट्री नहीं कराई। पैसे लिए आपसे उन्होंने? 7 लाख रुपए लिए। 7.5 लाख। 7.5 लाख मस्जिद के रजिस्ट्री के, मस्जिद के लिए आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह के नाम के। अच्छा। मस्जिद बनाने की। तो उन्होंने वो पैसे वहाँ नहीं लगाए? नहीं, वो अपनी जेबों में डाल लिए। जेबों में डालने का मकसद ये है। जी हाँ। तो आप समझ, ये इस दुनिया में हो रहा है और ये इतना बड़ा दुख है कि बोल रहे हैं यार ये जो हो रहा है इसके बारे में कोई हक उठाने के लिए सवाल नहीं है। बोले कहने वाला कोई नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, बिल्कुल कमेटी मिली हुई है, सब मिली हुई है। अभी ये जो मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सारी आवाम देखेगी फिर भी कुछ नहीं कहेगी। अगर नहीं कहती है तो फिर शर्म की बात है। अभी इन्होंने नाम भी बता दिए और जो जो बंदे इन्होंने एड्रेस बताएंगे, कहाँ का एड्रेस बता रहे हैं? आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह की मस्जिद के अंदर बैठे हुए। कहाँ? बुखारी मस्जिद। बुखारी मस्जिद। हाँ ठीक है, समझ गए आप एड्रेस।